नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। कहते हैं आंखों के बिना सतरंगी दुनिया भी बेरंगी सी नजर आती है, लेकिन समय पर सही मददगार मिल जाए तो बेरंगी दुनिया भी सतरंगी हो जाती है। सीहोर के कमल झंवर पिछले 20 साल से ऐसे लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं जिनकी दुनिया बेरंगी हो चुकी है, बेनूर हो चुकी है। बिना किसी सरकारी मदद के ये अभी तक 400 दृष्टिहीनों के जीवन में उजियारा कर चुके हैं। 150 से ज्यादा व्यक्तियों का नेत्रदान करवाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम पहले नंबर पर दर्ज है। 60 वर्षीय कमल झंवर कहते हैं कि वे हर उस शख्स की मदद करना चाहते हैं जिसके लिए सतरंगी दुनिया बेरंगी हो चुकी है। कमल झंवर ने बताया कि वे साल 1995 से नेत्रदान के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कमल झंवर 5 साल से लेकर 100 साल तक के लोगों के नेत्रदान करवा चुके हैं। अभी तक तकरीबन 200 से अधिक लोगों ने उनके माध्यम से नेत्रदान किया। वे सीहोर स्वास्थ्य अमले की मदद से नेत्रों को बैरागढ़ सेवा सदन ट्रस्ट में भेजते हैं। यहाँ नेत्र रोगियों का इलाज किया जाता है। देखा जाए तो कमल झंवर ने लोगों के जीवन में उजियारा लाने का नेक काम किया है। ऐसी मिसालें बहुत कम देखने को मिलती हैं। उम्र के इस पड़ाव में कमल झंवर बस इतना चाहते हैं कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग और साथ आए तो उनका ये प्रयास एक मुहिम बन सकता है। मैंने शुरू से एक लक्ष्य बनाया था। मैंने इसमें मान और सम्मान और अपमान का कभी भी मैंने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि मुझे जितना मान मिला उससे ज़्यादा मुझे अपमान भी मिला था। लेकिन मैंने उसको अपने मार के अंदर ना तो मैंने कोई खुशी उसकी जाहिर करने का लक्ष्य बनाया और ना मैंने उसके अंदर कोई बुरा मान के अपने आप को रूट के और लाइन से अलग हटने का बनाया। कई बार परिजन जो हैं अंधविश्वास से ग्रसित होकर नेत्रदान को अच्छा नहीं मानते, वो इस बात के लिए मना करते हैं। कई बार तो ऐसा अपमानित होकर आना पड़ा कि हमारे पिताजी मर गए और तुम्हें नेत्रदान की लगी है, हमारी माँ मर गई और तुम्हें नेत्रदान की लगी है। लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे पूरी टीम के साथ ये कार्रवाई निरंतर बढ़ता रहा है और निश्चित रूप से हमें और सफलताएं मिलेंगी। कोई भी अच्छा काम करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश में सीहोर जिला 2 नंबर पर है। कमल झंवर मेरे अभिन्न सहयोगी हैं और उनके माध्यम से निरंतर सेवा के क्षेत्र में काम। तो कमाल के कमल, जी हाँ, 400 दृष्टिहीनों के जीवन में उजियारा कर चुके हैं। 150 से अधिक व्यक्तियों के नेत्रदान के लिए उन्होंने जागरूक किया है और इसके लिए सबसे बड़ी बात लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है। 60 वर्षीय इंसान जब इतना अधिक सश्रम कर रहे हैं और साथ ही लोगों को वो जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए काफी दिक्कतें भी उन्हें उठानी पड़ी। हर उस शख्स की वो मदद करना चाहते हैं जिसके लिए ये दुनिया बेनूर है, बेरंगी है। नेत्रहीनों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं कमल झंवर। जी हाँ, आपको बता दें कि आज न्यूज स्पेशल में हम बात कर रहे हैं कमल झंवर की, जिन्होंने 150 से ज्यादा लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक किया। दृष्टिबाधितों के लिए जो दुनिया बेनूर हो चुकी थी, बेरंगी हो चुकी थी, उनके जीवन में रंग भरने का काम किया है कमल झंवर ने। साल 1995 से नेत्रदान के लिए जागरूकता अभियान वो चला रहे हैं। कमल झंवर 5 साल से लेकर 100 साल तक के लोगों के नेत्रदान भी करवा चुके हैं। तो अभी तक 200 से अधिक लोगों ने उनके माध्यम से नेत्रदान किया है और सबसे बड़ी बात लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक करना कहीं ना कहीं कुछ मायने में उनके लिए दिक्कतों का सामना भी उसमें करना पड़ा। दिक्कतों का सामना करते हुए उन्होंने ये कदम उठाया और आज स्थिति ये है कि जो लोग दृष्टिबाधित हैं उनके लिए कमल झंवर कहीं ना कहीं एक फरिश्ते की तरह बनकर सामने आए हैं। तो 150 लोगों के नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का काम उन्होंने किया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर समाज सेवा की एक मिसाल पेश की है और लगातार इस काम में वे अभी भी जुटे हुए हैं। 60 साल की उम्र हो चुकी है लेकिन अभी तक वही जोश और वही जागरूकता वो लोगों के मन में भरने का काम करते हैं। न्यूज स्पेशल में हम दिखाते हैं उन खबरों को प्रमुखता से जो कि होती हैं सबसे अलग, और आज ऐसी ही खबर जहां पर नेत्रहीनों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं कमल झंवर। हमारे साथ अनुराग शर्मा हमारे संवाददाता सीहोर से जुड़ रहे हैं। अनुराग, जो आज हम बात कर रहे हैं कमल झंवर की, 200 से अधिक लोगों ने उनके माध्यम से नेत्रदान किया, लगातार 1995 से वो ये कार्य कर रहे हैं। पूरी कमल झंवर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस प्रकार से उनकी कार्यशैली है और किस प्रकार से उनको प्रेरणा इस काम के लिए हासिल हुई।
जनरल। मैं बता दूं कि 1995 से ये नेत्रदान करने का काम कर रहे हैं और 5 साल से लेकर 100 साल तक के लोगों को नेत्रदान करा चुके हैं और 200 से अधिक लोगों के माध्यम से नेत्रदान किया गया हुआ जी। कमल झवर सीयर नेत्र प्रेरक के रूप में जाने जाते हैं और ये 1995 से ये अभी काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल कमल, यहाँ पर जो कमल झवर की हम बात कर रहे हैं, समाज सेवी हैं और लगातार जागरूकता वो उनके द्वारा फैलाई जा रही है नेत्रदान करना, क्योंकि जिस प्रकार से हमने कई लोगों की बातचीत भी सुनी, उनका कहना है कि कई लोग उनसे नाराज भी हुए, कहीं ना कहीं उनको जागरूक करना उनके लिए परेशानी भी सामने खड़ी हुई, लेकिन अपने जो उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था उससे पीछे नहीं हटे और यही वजह है कि उनको इतना बड़ा अवार्ड भी मिला, कई तरीके के सम्मान भी मिले और अभी भी वो अपने काम में लगे हुए हैं। हमें बता दूं कि वो बिना सरकारी से मदद लिए हुए 400 लोगों को रोशनी दिलवा चुके हैं और 150 से अधिक व्यक्तियों को नेत्रदान करा चुके हैं वो जी। और 60 वर्षीय कमल झवर कई टाइम से ये काम कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि सिर्फ मेरी इनका ये कहना है कि मेरी पीड़ा इस कार्य के संभालने के लिए ताकि नेत्रदान दुनिया में रोशन हो सके जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर राग एक प्रेरणा के तौर पर हम उनको देख सकते हैं, क्योंकि आज न्यूज स्पेशल के माध्यम से जो आपने खबर पहुंचाई है हम तक और जो हम पहुंचा रहे हैं जनता तक, एक प्रेरणा एक मिसाल मिल सकती है कि आप भी कोई ऐसा कार्य करिए जो दुनिया के लिए मिसाल बनकर सामने आए और लोग भी इस प्रकार के काम करने के लिए, समाज सेवा से जुड़े हुए काम करने के लिए आगे बढ़े, और यही प्रेरणा है जो कि कमल झवर हमारे सामने रख रहे हैं जी। मैं बता दूं कि कमल झवर हमेशा कई टाइम से ये काम करते हुए आ रहे हैं और कमल झवर का यही कहना है कि मैं आगे जब तक हूँ जब तक मैं लोगों को अनुराग हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमारे साथ जगदीश सचदेवा जी हैं, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी बहुत स्वागत है सर हमारे खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल में आपका। जी। जगदीश जी, आज हम बात कर रहे हैं कमल झवर जो कि सीहोर के एक समाज सेवी हैं और लगातार वो इस दिशा में काम कर रहे हैं, लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक करना, जो एक बड़ा नेक काम है और इस काम को करते हुए उनको कई साल हो चुके हैं, क्या कहेंगे सर आप? इसमें मेरा कहना ये है कि एक बात मैं ये बता दूं आपको कि कमल झवर से मेरे 40 साल से संबंध है जी और बहुत ही नेक इंसान है वो जी, और 40 साल के इन संबंधों में जो उनकी भावना है नेत्रदान वाली जी, वो जरूर कहीं ना कहीं आदमी के दिल को छूती है। इसलिए छूती है कि वो नेत्र जो है किसी ना किसी के काम आते हैं और वो उन आंखों से दुनिया को देखता है। बिल्कुल, और कमल झवर जो ये काम कर रहे हैं ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम है और उनके जीवन का जो लक्ष्य है और वो लक्ष्य भी मुझे मालूम है बहुत अच्छा लक्ष्य है उनका, और जो मैसेज जा रहा है पूरे प्रदेश में और ऐसे भी और लोग भी तैयार होना शुरू हो गए हैं जी। और मेरा ऐसा सोच है कि ये एक बहुत अच्छी सेवा का काम है जी। कई सेवा के कैंप भी लगाए हैं, नेत्रदान शिविर भी लगाए हैं और इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जगदीश जी सही बात है, बधाई के पात्र हैं और लगातार इस नेक काम को करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए आपका दिल साफ होना चाहिए, आपके इरादे मजबूत होना चाहिए, तभी इस प्रकार के आप काम कर सकते हैं और यही वजह है कि लगातार जो है 1995 से कमल झवर ये काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कोई उनको मदद मिलनी चाहिए? अभी तक इस प्रकार का आपकी तरफ से कोई सहयोग दिया गया कि आगे इस प्रकार के काम वो कर सके, नेत्रदान के लिए लोगों को प्रेरित कर सके? एक्चुअल में क्या है, गवर्नमेंट ऐसे लोगों को आगे रखे और सहयोग करना चाहिए शासकीय योजनाओं में, जो भी हम इनको फायदा पहुंचवा सकते हैं वो पहुंचाना चाहिए जी। लेकिन चूंकि अब आप समझते हैं कि आज हमारे प्रदेश की गवर्नमेंट या पहले की गवर्नमेंट बहुत ही लेंदी प्रोसेस में इस तरीके के कामों को लेती है और वो लेंदी लेने की वजह से आदमी कईयों के मन टूट जाते हैं जी। लेकिन कमल झवर एक ऐसे व्यक्ति है जिनका मनोबल बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल स्पष्ट है, वो समाज की सेवा कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनका जो लक्ष्य है वो उस लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, ऐसी हमारी सोच है।
बिल्कुल, लगातार समाज सेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं कमल झंवर। जगदीश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद यही है कि आप भी आगे जो है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस कार्य में ऐसे लोगों की मदद करें ताकि सरकार का भी एक अच्छा जो है मैसेज जाए, संदेश जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है, लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, अभी तक कमल जी के साथ और कितने लोग हैं जो काम करते हैं इस नेक कर्म में? जनरल चलिए एक बार फिर प्रयास करेंगे अनुराग से बात करने की। सीहोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको बता दें इस वक्त आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, नेत्रदान महादान। जी हाँ, आप जब दुनिया से चले जाते हैं तो भी आपकी आंखें किसी की जिंदगी को रोशन करें, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और यही वजह है कि आज कमल झंवर ऐसे लोगों की दुनिया में रोशनी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में उजाला ला रहे हैं जिनकी जिंदगी कहीं ना कहीं अंधेरे में डूब चुकी थी, जिनकी जिंदगी में रंग नहीं था, और वो रंग भरने का कार्य कर रहे हैं। कमल झंवर सीहोर से हैं, 5 साल से लेकर 100 साल तक के लोगों को उन्होंने प्रेरित किया है। उनके लिए नेत्र दान जो है, महादान सिर्फ नारा नहीं है, एक कहीं ना कहीं जीवन जीने का सबब बन चुका है। और यही वजह है कि 1995 से लेकर आज तक लगातार अपने प्रयासों में वो आगे बढ़ रहे हैं और हर तरफ सराहना भी प्राप्त कर रहे हैं। और यही उम्मीद बाकी लोगों से भी वो करते हैं कि आप भी आइए और इस महायज्ञ में उनकी सहायता करें। तो कहीं ना कहीं आज न्यूज स्पेशल में हम आपको दिखा रहे हैं 400 दृष्टि बाधित की आंखों को रोशनी जिन्होंने दी। हमारे साथ कमल झंवर जी स्वयं जुड़ रहे हैं। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी कमल सर, आपके आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो एक बार हम पुनः प्रयास करेंगे। कमल झंवर जी हमारे साथ स्वयं जुड़े, समाज सेवी हैं और बहुत नेक काम वो कर रहे हैं। उनसे स्वयं जानेंगे किस प्रकार से इस कहानी की शुरुआत हुई, किस प्रकार से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई है। तो 5 साल से लेकर 100 साल तक के लोगों को जागरूक करने का काम 1995 से लगातार वे कर रहे हैं, और अभी तक ये कारवां जो है रुका नहीं है, थमा नहीं है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप नेत्रदान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान के साथ हमेशा जीवित रहते हैं। आप अगर वो व्यक्ति आपकी आंखों से देखता है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में रोशनी, उजाला और रंग भर जाता है। और यही वजह है कि कमल झंवर आज सभी के लिए एक प्रेरणा के रूप में सामने आए हैं और उनका नाम जो है शामिल किया गया है इंडिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और दृष्टि बाधितों के लिए इस बेरंग दुनिया को प्रकाश से भरने का काम कर रहे हैं कमल झंवर। और एक बार कमल झंवर जी हमारे साथ स्वयं जुड़ रहे हैं। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर बहुत बधाई आपको देना चाहेंगे क्योंकि जिस प्रकार का आप काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर बहुत बधाई का कार्य है। और आपसे जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत हुई, किस प्रकार से आपको प्रेरणा मिली इस कार्य के लिए? सामान्य बात रहती है, परिवार के संस्कार होते हैं, कभी किसी के दुख को आप कम कर सके जी, वो ये प्रयास हमेशा होना चाहिए। हर ज्यादातर तो घरों में यही चलता है कि अपन इस तरीके से काम करें। यही देखकर मैं चूंकि स्वास्थ्य विभाग से ज्यादा जुड़ा हुआ था, मेरी सेवाएं मैं अस्पताल में देता रहता था जी, मैंने कोई भी एक क्षेत्र चयन करा तो उसमें मुझे ये लगा कि जो नेत्रहीन होते हैं उनके लिए कुछ कर सके अपन जी। तो जब से जो मैंने चालू किया तो बस अभी तक अनवरत चल रहा है जी। बिल्कुल कमल जी, ये शुरुआत आपने, आपके जो एक सोच थी कि आप लोगों के जीवन में उजाला लेकर आए, उस समय से लेकर जहां तक मुझे पता है 1995 से आप ये कार्य कर रहे हैं, 2019 हो चुका है, इतने समय में कितने लोग आपसे प्रेरणा पाकर आपके साथ जुड़े हैं, कितनी मदद आपको मिल पा रही है इस कार्य में? नहीं, मेरे साथ लगभग जो अपनी रुचि वाला होता है, मेरा एक मानना है कि हर समाज में हर तरीके की जिसकी रुचि रहती है वैसे लोग जुड़ते जाते हैं जी। मेरे साथ मेरा एक काफी मिल गया जो लगभग इस तरीके से मित्र मानता हूँ मैं तो, उन सबको मेरे मित्र हो गए वो जी। कमल जी, 400 दृष्टि बाधित लोग जो हैं उनको आप नेत्रदान जैसा एक बहुत नेक काम आप कर चुके हैं, और कितने लोगों को क्या लगता है कब तक ये काम आप करते रहेंगे और किस प्रकार से प्रेरणा पहुंचाते रहेंगे? क्योंकि सिर्फ नेत्रदान महादान सिर्फ नारा कहने से कुछ नहीं होता, उसको अगर जीवन में आपने उतारा है तो ये बहुत बड़ा कार्य है। मेरा मानना ये है कि मैं इस टाइम पे रनिंग में 65 इयर्स में चल रहा हूं जी। मेरा ये मानना है कि मेरी टीम मेरे बाद वाली तैयार हो जाए, क्योंकि अभी तो मैं एक्टिव हूँ कोई, लेकिन जीवन का रहता है एक प्रकृति का नियम है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शिथिलता आती है जी। यदि मैं अब मेरे सामने मेरी टीम को इस तरीके से काफी एक्टिव दे सकूँ तो मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगेगा, और यह क्रम निरंतर चलता रहेगा
लक्ष्य इसका कभी भी खत्म नहीं होता कि मैं एक टाइमली मिशन नहीं है जैसे आजीवन चलने वाला मिशन है। जी बिल्कुल, आजीवन मिशन है और लगातार आप अनवरत लगे हुए हैं स्नेक कर्म में। कहीं ना कहीं आपकी सहायता भी कई लोगों के द्वारा आपको मिली होगी। क्या प्रशासन की तरफ से, क्या किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से, एनजीओ की तरफ से आपको इस कार्य में कोई मदद मिल पाई ताकि इस कार्य को आप और अच्छी तरीके से कर सके? नहीं, मेरे को इस काम के अंदर क्या होता है, ये नेत्रदान वाले जो काम है इसके अंदर कोई आर्थिक सहयोग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सिर्फ मोटिवेशन होता है, आप जितने ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन से, तो जी प्रशासन से मदद जैसे अपन ने मांगी तो अपने को वाहन मिला, जिला चिकित्सालय का स्टाफ मिला जो अपना नेत्रदान के लिए वो लोग आते हैं लेके जाते हैं, शासन की मदद मुझे जितनी चाहिए रहती भरपूर मिलती है। बिल्कुल, तो एक बहुत नेक काम और इसके लिए हम आपको पुनः से बधाई देते हैं और आपको यही आशा करते हैं कि इस प्रकार के आप काम करते रहें और आपको देखकर और इस न्यूज चैनल के माध्यम से हम तमाम लोगों से यही अपील करते हैं कि ऐसे कार्य आप करते रहें ताकि समाज में मिसाल के तौर पर आप देखे जाएं। कमल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल का और आप सब लोगों का जो आपने कम से कम इस मिशन को इतना आगे चलाने के लिए इतना समय निकाला। जी बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ, इस प्रकार से आप अनवरत कार्य करते रहें। तो न्यूज स्पेशल जिसमें हम बात कर रहे हैं कि स्पेशल व्यक्ति की, एक खास व्यक्ति की, कमल झंवर जो कि सीहोर से हैं, साल 1995 से नेत्रदान के लिए सभी को जागरूक कर रहे हैं। कमल झंवर 5 साल से लेकर 100 साल तक के लोगों के नेत्रदान करवा चुके हैं और अब तक 200 से अधिक लोगों ने उनके माध्यम से नेत्रदान किया है। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनुराग, हम कमल जी से बात कर रहे थे, एक बहुत अच्छे मिशन के साथ वो आगे बढ़े हैं, अभी 65 इयर्स हो चुकी है लेकिन अभी भी उनके हौसले वही हैं, उनका मानना ये है कि अभी भी वो इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे और इसी प्रकार से लोगों को जागरूक करते रहेंगे। हाँ मैं बता दूं कि नेत्रदान करने के लिए वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका नाम पहले नंबर 1 पर दर्ज हो चुका है और कमल झंवर का ये कई बार इस चीज को लेकर वो अपने परिजनों से भी अपमानित होना पड़ा, मगर वो सबके बावजूद भी कमल झंवर ने हार नहीं मानी और वो हमेशा यही करते हुए आ रहा है और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल, तो न्यूज स्पेशल में हम आपको बता दें कि आज हम एक खास खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, कमाल के कमल। जी हाँ, कमाल इसलिए क्योंकि उन्होंने जो काम कर दिखाया है वो निश्चित तौर पर कमाल करने वाला है। ऐसे लोग जो कि नेत्रहीन हैं, जिनके जीवन में उजाला नहीं है, जो बचपन से नेत्रहीन है या किसी एक्सीडेंट में, किसी दुर्घटना में उनकी आंखें चली गई हैं, उनके जीवन में रोशनी लाने का काम करते हैं कमल झंवर और हमारे संवाददाता अनुराग जुड़े हुए हैं। अनुराग, सीहोर जो कि एक छोटी जगह है जहां पर लोगों को इस प्रकार से पहचान मिलना कहीं ना कहीं सीहोर के लिए भी एक बड़ी बात, एक बड़ी पहचान है जहां से कमल झंवर आते हैं और वहां से लोगों को वो प्रेरित करते हैं, आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं और आज स्थिति यह है कि 400 से ज्यादा लोगों को उन्होंने इसलिए प्रेरित किया है और ये आज वो दृष्टिबाधित लोग, वो लोग जिनके जीवन में रोशनी नहीं थी, आज वो दुनिया देख पा रहे हैं। जी हाँ, ये बात कमल झंवर एक बहुत अच्छे सज्जन आदमी है और उनका एक सीहोर जिले में बहुत अच्छा नाम है और जो ये नेत्रदान के लिए जो ये मैसेज जो दे रहे हैं कि बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा लगाओ काट के, मैं कुछ सुनाई नहीं पा रहा। चलिए एक बार हम राजकुमार गुप्ता जी से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, समाज सेवी हैं, उनसे भी जानते हैं किस प्रकार से इस समाज सेवा के काम में वो भी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, हम लगातार उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कमल झंवर जी के संपर्क में रहते हैं, जो इस कार्य में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके सहायक भी हैं। लगातार न्यूज स्पेशल में हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं आप सभी के लिए प्रेरणादायी है, प्रेरणा लेने की बात है, क्योंकि अगर कोई कार्य नेक है, कोई कार्य ऐसा है जो कि समाज में संदेश देता है तो आप सभी को उससे सीखने की जरूरत है। अनुराग, लगातार अगर बात की जाए नेत्रदान को लेकर, सरकार की तरफ से भी कहा जाता है नेत्रदान महादान है, आप इसके लिए आगे बढ़िए, आप इसके लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी हो जाती है। मैं आपसे जुड़ूंगी, हमारे साथ राजकुमार गुप्ता जी जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। राजकुमार गुप्ता जी बहुत स्वागत है आपका। सर राजकुमार जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? राजकुमार जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो आपको हम बता दें इस वक्त न्यूज स्पेशल में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं नेत्र रोग विभाग, ये आप देख रहे हैं जहां पर वो लोग जिनके जीवन में उजाला नहीं है, जिनके जीवन में रोशनी नहीं है, ऐसे 400 दृष्टिबाधितों के जीवन को रोशन किया है उस व्यक्ति ने जिसका नाम है कमल झंवर। वो व्यक्ति जिन्होंने
उन लोगों के जीवन में उजाला किया है जिनके जीवन में अंधकार था, और यही वजह है कि आज एक प्रेरणा, एक सबक के तौर पर कमल झवर को देखा जाता है। राजकुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में आपका। जी सर, आवाज आप तक स्पष्ट पहुंच पा रही है? जी आ रही बताएं। जी राजकुमार जी, आज हम बात कर रहे हैं कमल झवर जी की, जो कि लगातार नेत्रदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आप भी एक समाज सेवी हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं इस प्रेरणादायी कर्म को? जी मैडम, मेरे जीवन में बहुत सामाजिक क्षेत्र में काम किया जी, लेकिन सबसे ज्यादा सुखद अनुभव मुझे इसी काम से होता है जी। वो बड़ा चुनौती भरा काम है ये, लगभग 15-20 साल से हमारी ये यात्रा चल रही है एक टीम के साथ जी। कई बार जब हम नेत्रदान के लिए किसी और उसका प्रियजन जो स्वर्गवासी होता है जी, वो हमें बड़ा रूठली जवाब देता है कि हमारी माँ मर गई, हमारे पिताजी मर गए और आपको नेत्रदान की पड़ी है। कई बार अपमानित होना पड़ा, और कई बार ऐसी स्थितियाँ होती है कि लोग अपने घरों में त्योहार मना रहे होते हैं, 31st मना रहे होते हैं, और हम उसके घर के बाहर एक उम्मीद की किरण के साथ खड़े रहते हैं कि ये सहमति दे देंगे। जी बिल्कुल, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, ये कार्य जो है इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि किसी के परिजन जो कि इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं या जो बीमार व्यक्ति है उसको इस तरीके से मनाना, कहीं ना कहीं समाज में इस तरीके का कार्य करना अपने आप में चुनौती है, और इस चुनौती को आप सभी मिलकर बखूबी निभा रहे हैं। अभी तक 400 से ज्यादा लोगों को जीवन में आप प्रेरित कर चुके हैं, जिनको आंखें मिल चुकी हैं, जिनके जीवन में रोशनी आ चुकी है, लगातार ये आप काम कर रहे हैं, और क्या अनुभव और आप साझा करना चाहेंगे न्यूज स्पेशल के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों से? चलिए मैं ये बताऊंगा आपको जी कि नेत्रदान के साथ साथ देहदान के भी जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, मान लो किसी के पिता ने फॉर्म भरा और उनकी मृत्यु के बाद जब हम उनके परिजनों को बोलते हैं कि इनने हमें दिनांक इतने इतने को जो फॉर्म दिया था देहदान के लिए, तो बोल देते नहीं भैया दिया होगा हम तो देहदान नहीं देंगे, बाद में दूसरे जन्म में जो है विकलांग पैदा होंगे देहदान हम नहीं करेंगे जी। और एक एक वर्ग में नेत्रदान के लिए अभी भी हमें सफलता नहीं मिली। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो कि भावनाओं से जुड़ी हैं या कुछ रूढ़ियों से जुड़ी हैं, इसके चलते दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ रहा है, लेकिन एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं कि एक बहुत अच्छा कार्य जो है आपके द्वारा किया जा रहा है, और शुभकामनाओं के साथ आप ये कार्य करते रहे। बहुत शुक्रिया राजकुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दृष्टिबाधितों के जीवन में रोशनी लेकर आने वाले हैं कमल झवर, और उनके साथ जो लोग कार्य कर रहे हैं निश्चित तौर पर सभी सराहना के पात्र हैं, सभी तारीफ के पात्र हैं, क्योंकि 200 से अधिक लोगों के ने उनके माध्यम से नेत्रदान किया है, और अभी तक 100 साल से लेकर 5 साल तमाम उम्र के, किसी भी उम्र के लोग हैं, सभी को उन्होंने नेत्रदान के लिए प्रेरित किया है। 1995 से लगातार ये काम कर रहे हैं, और इस जज्बे को हम सभी सलाम करते हैं, न्यूज वर्ल्ड सलाम करता है। न्यूज स्पेशल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी विशेष खबर के साथ, तब तक आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ।